चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सर्कुलर कॉइल एंड अ बार मैग्नेट प्लेस नियर बाय आर मेड टू मूव इन सेम डायरेक्शन। द कॉइल कवर्स अ डिस्टेंस 1 मीटर इन 0.5 सेकंड एंड मैग्नेट डिस्टेंस 2 मीटर इन 1 सेकंड। द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल। देखो जैसे एक बार मैग्नेट है, मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, जिसका रेडियस मान लो आर है। ये अगर वी वेलोसिटी से चल रहा है और ये भी वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो जो फ्लक्स में चेंजेस आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में वो जीरो होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो फ्लक्स में चेंज आना जरूरी है ना ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। और अगर दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं तो फ्लक्स में चेंजेस आएगा। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो पहले कॉइल की वेलोसिटी, ये डेटा दिया हुआ है कॉइल के बेसिस पे, स्पीड, इसको इसकी स्पीड को हम इसको V1 कर देते हैं, ठीक है, इसको V2 कर देते हैं, इसको V1 कर देते हैं। तो V1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 0.5, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका वेलोसिटी V2, डिस्टेंस 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड आया, स्पीड सेम आ गई दोनों की। अब बताओ क्या फ्लक्स में चेंज आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा, नो फ्लक्स में चेंज। तो ईएमएफ कितना होगा, जीरो, फ्लक्स में चेंज हो ही नहीं रहा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।